गुमनाम है कोई बदनाम है और आप सुन रहे हैं टेक्नोलॉजी नाइन। दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे iVoomi के नई फोन iVoomi Z1 के बारे में जो आज इंडिया पे लॉन्च हुआ है और इस फोन की स्पेसिफिकेशन प्राइस अवेलेबिलिटी सबके बारे में बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे कि क्या ये फोन आप लोग को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे चाइनीज जो ब्रांड है iVoomi उसने अपना नया फोन iVoomi Z1 यहाँ पे तीन कलर ऑप्शन क्लासिक ब्लैक ओशन ब्लू और पैटिनम गोल्ड में इंडिया पे लॉन्च कर दिया है और इस फोन पे एक ही वेरिएंट है जो है 2GB रैम के साथ और 16GB स्टोरेज के साथ जिसकी प्राइस रखी गई है 6999 रुपीज। लेकिन फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे जो आ रहा है 11 से 14 तारीख तक उसमें ये फोन आप लोगों को 6499 करीबन 500 रुपए के ऑफ के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये फोन खरीदते हो HDFC का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड यूज करके या फिर आप अप्लाई कर लेते हो EMI ऑप्शंस को। यहाँ पे साथ ही में जियो भी कुछ ऑफर्स ला रहा है इस फोन के साथ। जियो का बात क्यों बोलते हैं आप लोग पता है क्यों जियो को वीडियो में डाला जाता है। तो व्हाटएवर जियो यहाँ पे फिर से 2200 रुपए के अपने कैशबैक के साथ आ रहा है लेकिन यहाँ पे आपको रिचार्ज करना पड़ेगा 198 या फिर 299 वाला। तो आगे बात करने से पहले आज की सेल के बारे में बात करते हैं जहां पे मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक जेन्युइन लेदर शू जो है करीबन आप लोगों को मिल जाएगा 429 रुपए पे जिसकी ओरिजिनल प्राइस है 799। इसकी रेटिंग अगर देखा जाए तो करीबन 3.6 रेटिंग मिला हुआ है और रिव्यू वगैरह बहुत ही खास बहुत ही अच्छा है और मुझे सही में शू बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शाइनी शू है, अच्छा लगा। और साथ ही में अगर आप मेंस फॉर्मल लेदर में कुछ और कुछ भी देखना चाहते हैं तो 400 लेके 2000 रुपए तक की रेंज में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे शूज मिल जाएंगे और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग जाके खरीद सकते हो। तो बात करते हैं कि तो ड्यूअल सिम वाला ये फोन है जो आप लोगों को ड्यूअल वॉल्टी के साथ मिल जाएगा। इस सस्ते फोन की जो स्क्रीन की बात किया जाए वो है 5.67 इंच का HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले जो आ रहा है 18:9:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। एक बॉडी बड़ा सा नॉच आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ये फोन आ रहा है SmartME OS 3.0 के साथ जो आप लोग जो बेस्ड है एंड्रॉइड 8.1 पे। यहाँ पे बात करें इस फोन की पावर प्रोसेसर की तो यहाँ पे ये quadcore MediaTek MT6739 W SoC पे चलने वाला है। इस रेंज पे MediaTek ही मिल सकता है या फिर कुछ सस्ता वाला स्नैपड्रैगन मिल सकता है आप लोगों को। लेकिन यहां पे बात करें इस फोन की रैम की तो यहाँ पे 2GB रैम ही मिलेगा और 16GB का स्टोरेज मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आप लोग 128GB तक इसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। आगे बात करें इसकी कैमरे की तो 13MP का एक सिंगल कैमरा आप लोगों को मिल जाएगा विद Sony IMX 135 5P लेंस और सॉफ्ट फ्लैश के साथ। आगे बात करें आगे की कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 5MP का कैमरा मिलेगा 1.12 माइक्रोन पिक्सल साइज और यहाँ पे 4P लेंस आप लोगों को मिल जाएगा। और इसी कैमरे के हेल्प से iVoomi कह रहा है कि वो लोग एक फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी यहाँ पे दे रहे हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात किया जाए तो 4G VoLTE Wi-Fi Bluetooth Micro USB जो OTPC सपोर्ट करेगा अगर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे रियर पे आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा हालांकि यहाँ पे फेस अनलॉक की सुविधा भी है। 2800 mAh की बैटरी मिल जाएगी। यहाँ पे बात अगर किया जाए SmartME OS 3.0 की तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से दावा है कि ये बहुत ही बड़ी ऑप्टिमाइजेशन अच्छा करेगा और जिसके वजह से आपकी बैटरी बहुत टाइम तक लास्ट करेगी। बात करें इस फोन की लेने या फिर नया लेने की मेरी राय की तो यहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन अवेलेबल हो रहा है उस प्राइस पॉइंट पे नॉच डिजाइन और फेस अनलॉक कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी बातें अगर किया जाए 2GB रैम, आजकल 2GB रैम लोग कम चाहते हैं क्योंकि 7000 रुपए के आसपास कुछ कुछ फोन आप लोगों को 3GB रैम तक देते हैं। तो फिर भी अगर आपको एक कम प्राइस में अच्छा सा नॉच डिजाइन वाला फेस अनलॉक वाला फोन चाहिए तो लिया जा सकता है और यहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट आप लोगों को फ्लिपकार्ट के मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक होगा, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। साथ ही में कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग इस फोन को खरीदोगे या फिर नहीं। साथ ही में हमारे यहाँ पे एक गिव अवे चल रहा है जहां पे हम आप लोगों को दे रहे हैं रेडमी का Y2 उस वीडियो की भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा जिसमें मैंने इस रेडमी Y2 की गिव अवे के बारे में बात किया है। आप लोग जाके गिव अवे कंटेस्ट में भाग ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए नहीं, आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपना ओपिनियन डालना ना भूलिए। जय हिंद, भारत माता की जय।